अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर का नेम है वर्क पावर एनर्जी, चैप्टर नंबर 3, पेपर ए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बुक है आपकी 815, कोड है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ये कहता है, वो क्या कहता है, वर्क यानी कि काम। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जाम में आपकी इसकी ज़्यादातर आती हुई डेफिनेशन है। तो सबसे पहले ये देख लें, अगर एक जिस्म पर एफ कुवत लगाई जाए, मिसाल के तौर पर आपका ये कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने कोई फोर्स एफ अप्लाई की, ठीक है, इस फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में इस ब्लॉक ने क्या किया, कुछ फासला तय किया या कुछ डिस्टेंस तय किया। तो हम कह सकते हैं कि जो इस ब्लॉक पे क्या हुआ, आपकी कोई काम हुआ या वर्क हुआ, ठीक है। ऊपर डेफिनेशन में देख लें, अगर एक जिस्म पर कुवत लगाई जाए यानी कि फोर्स लगाई जाए और वो जिसम इस कुवत की सिमत में एस फासला तय करे, तो हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है, कोई काम हुआ है, ठीक है, हम कह सकते हैं कोई काम हुआ है। अब देख लें इसका फार्मूला भी देख लें, फार्मूला लिखा हुआ है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि वर्क डन उस वक्त कंप्लीट होता है जब कोई फोर्स लगाई जाए और उस फोर्स के नतीजे में कोई जो आपका ब्लॉक या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, कोई डिस्टेंस या फासला तय करे, तो उस वक्त क्या होता है, वर्क डन कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है, डब्ल्यू एफ एस, ठीक है। और मैंने एग्जांपल दे दिया, अब एक चीज और इधर मैं बताता चलूँ। लेट सपोज मैंने कहा कि मैंने क्या किया, 1 न्यूटन मीटर की कोई फोर्स लगाई, 1 न्यूटन मीटर की मैंने कोई फोर्स लगाई, किस इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाई 1 न्यूटन मीटर की। अब इस फोर्स के नतीजे में क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने यहां से लेकर यहां तक जो फासला तय किया वो कह देता हूं मैं 1 मीटर, ठीक है। तो वर्क डन उस वक्त क्या होगा, आपका वर्क डन क्या होगा उस वक्त, 1 होगा, ठीक है। वर्क डन उस वक्त आपका क्या होगा, 1 होगा, यानी कि एफ आपकी यानी कि फोर्स जो लग रही थी 1 न्यूटन मीटर, और जो आपका डिस्टेंस तय हुआ यानी कि फासला तय हुआ है वो कितना था, 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, यानी कि डब्ल्यू भी आपका क्या होगा उस वक्त, 1 होगा, ठीक है। डब्ल्यू क्या होगा उस वक्त, यानी कि जो वर्क डन होगा उस वक्त क्या होगा, 1 होगा। ये आपको समझ लिया कि अब देखें जी, वर्क डन किस वक्त कंप्लीट होता है, जब आप कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के नतीजे में कोई फासला तय करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, आपका कोई वर्क डन होता है, ठीक है ना। अब देखें, फर्स्ट करो, लेट्स सपोज इस डायग्राम में मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा इस साइड पर, क्योंकि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो इस सीमत में फोर्स लगा रहा हूँ, इस सीमत में। अब इस सीमत में फोर्स लगाने की सूरत में कि मेरा ऑब्जेक्ट जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब तो इस वक्त इसमें क्या हुआ, कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स आपकी लग रही है, कोई डिस्टेंस इसने तय नहीं किया। अब देखें इसी तरीके से, फर्ज करो मैं कोई ब्लॉक जैसे ये लेके ब्लॉक लेके खड़ा हुआ है, मैं ब्लॉक लेके खड़ा रहता हूँ खड़ा रहता हूँ खड़ा रहता हूँ, लेकिन मैं कोई डिस्टेंस या फासला तय नहीं करता, तो वर्क डन नहीं हुआ, सिर्फ मेरी फोर्स लग रही है और मैं कोई फासला तय नहीं कर रहा। इसी तरीके से देख लें, दूसरी एग्जाम्पल देख लें आप, अगर मैं कोई सामान या कोई भी बैग लेके खड़ा रहता हूँ, ठीक है, तो फोर्स तो मेरी लग रही है लेकिन कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस है, ये देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। लेकिन अगर मैं इस बैग को लेके क्या करता हूँ, हरकत करता हूँ, ये मूव करता हूँ और कोई फासला तय करता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई मैं फासला तय करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई वर्क डन हुआ है, ठीक है जी। इस चीज़ की समझ लगी, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप कोई वजन लेके खड़े रहते हैं और फासला कोई फासला तय नहीं करते, या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, तो वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन अब आपने कोई वजन लिया हुआ है और आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या कोई फासला तय करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपने कोई फासला तय किया है, तो वर्क डन आपका हुआ है। अच्छा जी, अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। देखें जी, जो एमके सिस्टम में जो इसका यूनिट है वो जाउल होता है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, डब्ल्यू आपका क्या है, वर्क डन, एफ फोर्स, और एस क्या आपका कोई डिस्टेंस, एस क्या आपका कोई डिस्टेंस है, ठीक है जी। वर्क क्या आपका, डब्ल्यू क्या आपका वर्क डन, जितना आपका वर्क डन हुआ है, एफ कोई फोर्स और एस क्या है कोई डिस्टेंस है। मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दी है कि अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि अगर मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसने 1 मीटर का फासला तय किया, तो काम कितना होगा, मेरा काम होगा 1 जोल। ये वही एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, और ये इसके यूनिट ही लिखा हुआ है, एमके सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, जोल है, ठीक है जी। अगर एफपी सिस्टम की बात करें, एफपी सिस्टम में जो इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, फुट पाउंड होता है, ठीक है।
एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, इसका फुट पाउंड होता है। इसमें भी ऐसी अगर एक फुट पाउंड की आप कुव्वत लगाएं और जिसम उस सूरत में क्या करे, एक फुट का फासला तय करे, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, एक फुट पाउंड क्या हुआ है, इस पे कोई फोर्स लगी है या वर्क डन हुआ है। ठीक है जी। अब ये देख लें, 1 फीट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर के इक्वल होता है, और 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 4.45 न्यूटन के। अगर ये देखो 1 फुट पाउंड है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1.356 न्यूटन मीटर। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं जाउल भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्क डन इसमें कोई ना कोई आपका हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक दफा मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको फिर दे देता हूँ। हमने पढ़ा जी आज वर्क के बारे में, यानी कि काम के बारे में। इसमें हमने ये पढ़ा वर्क डन किस वक्त कंप्लीट होता है आपका, जिस वक्त ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और उस फोर्स की सूरत में क्या करे, वो कोई डिस्टेंस या फासला तय करे। इसी तरीके से मैंने यहाँ कहा कि 1 न्यूटन मीटर की मैंने कोई फोर्स लगाई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट पर जब मैंने फोर्स लगाई तो 1 मीटर का इसने कोई डिस्टेंस या फासला तय किया, तो उस वक्त वर्क डन क्या होगा आपका, 1 होगा। ठीक है जी, ये हमने आज पढ़ा। इसके अलावा मैंने क्या कहा है जी कि अगर मैं फर्ज करो कोई वो फोर्स लगाता हूँ किसी ब्लॉक के ऊपर और वो मूव नहीं करता, तो इसका मतलब है वर्क डन नहीं हुआ लेकिन फोर्स लग रही है। इसी तरीके से अगर कोई मैं ब्लॉक लेकर खड़ा हो जाता हूँ और खड़ा ही रहता हूँ, अपना डिस्टेंस या फासला तय नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि फोर्स लग रही है लेकिन डिस्टेंस नहीं हो रहा, तो इसलिए वर्क डन नहीं हो रहा। इसी तरह मैंने आपको ये नीचे एक बैग की एग्जाम्पल दी थी। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें।